ओके तो हे गाइस कैसे हो और एक नया वीडियो पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज है मेरा बर्थडे और ऐसे ही मैं बुढ़ा हो जा रहा हूँ और आप लोग इसी वीडियो पर मतलब नीचे जाओ कमेंट्स करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में Q&A वीडियो लाऊंगा। तो इधर पे जो क्वेश्चन करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो पे आंसर दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन करो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एंड नॉर्थ ईस्ट वर्सेज केरला का मैच है 21 तारीख को और उस मैच में मार्को लेस कभी नहीं रहेंगे, इंजर्ड हो चुका है। एंड आई होप कि इस बार नॉर्थ ईस्ट बहुत मतलब केरला के साथ जीते क्योंकि केरला जो है बहुत ही हैवी टीम है। तभी देखते गाइस क्या होता है। लेकिन हमारे जो स्टार बॉय रहेगा पार्थिव गोगोई, ये सभी लोग सोच रहे हैं कि ये खिलाड़ी को हम लोग देखेंगे जरूर। एंड जो हमारे इंडिया जो मेंस का जो कोच है इगोर स्टीमार्ट, यस गाइस, वो भी हमारे पार्थिव गो के ऊपर कुछ कमेंट्स डाला था कि यस ये खिलाड़ी जो है बहुत ही धांसू खिलाड़ी है, हमें अभी हम लोग देखेंगे इस खिलाड़ी को आगे और क्या करता है। लेकिन अभी चलो हम लोग भी देखते हैं कि हमारे जो गोगोई भाई हैं और आगे कितना कुछ करते हैं। तो उसके साथ गाइस और एक बैड न्यूज़ ये है कि हमारे जो नेमार है, नेमार हो चुका है इंजर्ड। यस गाइस आप लोगों को पता ही है नेमार ब्राज़ील का, नेमार हो चुका है इंजर्ड। और जो नेमार जो इंजर्ड हो चुका है तो फ़र्क ये है कि जो हमारे मुंबई सिटी FC वर्सेज अल हिलाल का मैच होने वाला था, उस मैच पर जो नेक्स्ट मैच जो है हमारे मुंबई वर्सेस अल हिलाल, उस मैच पर नेमार नहीं रहेगा क्योंकि नेमार हो चुका है इंजर्ड। एंड जो 6 नवंबर को जो मैच होगा नेमार जो अल हिलाल वर्सेस मुंबई सिटी FC, उधर पे जरूर रहेगा लेकिन इस मैच पर नहीं रहेगा। तो ये एक बैड न्यूज़ है क्योंकि हम लोग देखने वाले थे कि नेमार कैसा खेलेगा हमारे मुंबई के खिलाफ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट्स कर दो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा गाइस, जय हो गाइस।